भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक हमारे पीछे दोहराएंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के और 25वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 और चैप्टर 25। क्षुत्रद्व्यथां सुखापेक्षां हित्वा तैर्ब्रजवासिभिः वीक्षमाणो दधाराद्रिं सप्ताहं नाचलत् पदात् सप्त। ठीक है, इसका अनुवाद है कि भूख तथा प्यास भूलकर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को त्याग कर एक तरफ रख कर भगवान श्री कृष्ण पर्वत धारण किए रहे। 7 दिनों तक पर्वत को धारण किए हुए उसी स्थान पर खड़े रहे और सारे ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। इसे हमारे पीछे कहिए, भूख तथा प्यास भूलकर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को त्याग कर
भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करके एक स्थान पर खड़े रहे। सात दिनों तक वहीं खड़े रहे और सारे ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। तो ये बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा किस प्रकार गोवर्धन पर्वत धारण किया गया। आप लोग इस कथा को बार बार सुनते हैं और पिछले साल भी आपने इसी स्थान पर इसी कथा को सुना था। तो इस कथा में पिछले वर्ष भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया था यहाँ पर, कि भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है भगवान का बल। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण करके अपने इस बल ऐश्वर्य को सारे संसार को दिखला दिया कि भगवान कितने बलशाली हैं। तो इस लीला के द्वारा भगवान के बल का पता चलता है। बलम बलवताम चाहम, जितने भी संसार में बलवान लोग हैं भगवान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। करने की कोशिश की भगवान का मुकाबला बहुत बड़े बड़े धुरंधरों ने, बहुत बड़े बड़े बलशालियों ने, किस किस ने मुकाबला करने की कोशिश की भगवान से, द्वंद्व युद्ध करके। द्वंद्व युद्ध का अर्थ जानते हैं? केवल दो जन ही फाइट करते हैं। तो किस किस ने भगवान के साथ द्वंद्व युद्ध किया? कंस ने। कंस क्या करेगा? कंस तो अपने सिंहासन पर दूर बैठा था डर के। केवल कंस दूसरों को भेज रहा था। किसको किसको भेजा? मुष्टिक और चाणूर को भगवान के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान ने परास्त कर दिया। और फिर वहीं से सीधे कूदे कंस के पास में और कंस को भी भगवान ने धराशायी कर दिया। इसके अतिरिक्त जरासंध, वो तो पूरी सेना लेके आया था, अक्षौहिणी अक्षौहिणी सेना लेके आया था। भगवान के साथ बहुत बार उसने युद्ध करने का प्रयास किया लेकिन भगवान ने उसके बल को भी चूर कर दिया। और कौन? हिरण्याक्ष, वो ललकारता हुआ अपने बल के मद से बड़े बड़े लोकपालों के पास गया, ऐसे वरुण देवता के पास भी पहुंच गया कि बहुत शक्तिशाली हैं, एक लोकपाल हैं, उनके पास भी पहुंच गया। इंद्रादि तो वैसे ही डर के छुपे हुए थे, इतना बल था उसके पास में। विष्णु से युद्ध करना चाहता था तो पृथ्वी को ही चुरा के ले गया, और पृथ्वी को ले जाके उसने रसातल में छुपा दिया था, रसातल में रख दिया था। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से वराह देव के रूप में जन्म लिया और उसके मद को भगवान ने चूर किया। तो वहाँ भी भगवान ने अपने बल का प्रदर्शन किया था, हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, रावण का वध किया, रावण ने भी भगवान से द्वंद्व युद्ध किया था और रावण को भी भगवान ने परास्त किया था। ऐसे बड़े बड़े महारथियों को भगवान ने परास्त किया युद्ध में। और विशेष रूप से इस लीला में क्यों भगवान के ऐश्वर्य का पता चलता है? भगवान ने तो अपना बल ऐश्वर्य कई लीलाओं में दिखाया है, फिर इस लीला में ऐसी क्या खास बात है कि इस लीला में भगवान के ऐश्वर्य का अत्यधिक पता चलता है? भगवान का बल किसी भी अवस्था में एक ही समान होता है।
इस लीला में भगवान सात कितने वर्ष के साल भगवान हैं, और 7 वर्ष के होने के बाद भी भगवान ने गोवर्धन जैसे महान पर्वत को अपनी कनिष्ठा के ऊपर धारण कर लिया। जैसे कल रिद्धि ने बताया कि पिंकी के ऊपर धारण कर लिया है ना, छोटी सी उंगली के ऊपर एक कनिष्ठा, छोटी कनिष्ठा का अर्थ क्या होता है, छोटा छोटी, और वो भी उल्टे हाथ की कनिष्ठा, सीधे हाथ की कनिष्ठा नहीं। माना जाता है कि सीधे हाथ में ज्यादा बल होता है, लेकिन ये उल्टा हाथ थोड़ा कमजोर होता है ना। तो उल्टे हाथ की कनिष्ठा में भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, वो भी 5-7 वर्ष की अवस्था में। भगवान उस समय 7 वर्ष के थे उस अवस्था में। तो यहाँ भगवान ने विशेष रूप से अपने बल का प्रदर्शन किया, और उठाया तो उठाया, 7 दिन और 7 रातों तक भगवान उठाए रहे। और इस श्लोक में ऐसा लिखा गया है, जो श्लोक आपने हमारे पीछे दोहराया, कि भगवान एक स्थान पर खड़े रहे, भगवान ने अपने पैर को हिलाया नहीं, थोड़ा भी अलग नहीं किया, है ना। हम लोग को यदि थोड़ा सा कुछ सामान उठाना होता है और कहीं लेके जाना होता है, आजकल तो जो सूटकेस वगैरह होते हैं उसमें नीचे व्हील्स लगे होते हैं, लेकिन पहले लोग उठा के चलते थे, है ना, पेटियाँ होती थी, बैग जो होते थे लोग उठा के चलते थे। अब तो बैग में भी नीचे व्हील आ गए हैं, उसको भी लोग सीधे ले जाते हैं, उसमें भी अब तो कुछ में बैटरी है, सीधे आप बटन दबा दीजिए अपने आप आगे बढ़ेगा, है ना। तो लेकिन पहले के ज़माने में लोग ट्रंक वगैरह लेकर चलते थे, तो जब रेलवे स्टेशन में लेके जाना होता था तो लोग कितनी बार नीचे रखते थे, बीच बीच में थोड़ी देर लेके चलते हैं, फिर नीचे रखेंगे, फिर आगे थोड़ी देर के बाद उठा के थोड़ी देर तक और लेकर जाएंगे, फिर से लोग नीचे रखेंगे। तो इस तरह से लोग कैरी करते थे। तो हम लोग छोटे से बैग को भी लंबे समय तक उठा के चल नहीं सकते हैं, है ना। उसमें भी जब एक दो ज़्यादा बैग हो जाए तो लोग बोलते हैं कुली कर लो, किसी व्यक्ति से उठवा लेते हैं। तो रेलवे स्टेशन में इंडिया में लोग खड़े होते हैं बैग उठाने के लिए, तो लोग कहते हैं अरे ज़्यादा बैग हैं, इनको इनसे उठवा लो। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान परम शक्तिमान है, जो छोटी सी उंगली के ऊपर, उंगली भी क्या, उंगली के ऊपर नहीं, कहाँ पे उठाया था भगवान ने, नाखून के ऊपर उठाया था, है ना, उंगली भी नहीं, नाखून के ऊपर भगवान ने गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को, महान पर्वत को 7 दिन तक और 7 रातों तक उठाए रहे भगवान ने। क्यों उठाया, कारण क्या था उठाने का, आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा वृंदावन में कि उनके पिताजी और गांव के सारे लोग, ब्रजों का साम, जितने भी ब्रज के लोग हैं, गोष्ट, भगवान के गोष्ट, गोष्ट का अर्थ होता है भगवान का समूह। तो भगवान के समूह, भगवान के गांव के ब्रजवासी, वो सब कुछ तैयारी कर रहे थे, कुछ पकवान बनाने में लगे हुए थे, ब्राह्मणों को बुलाने में लगे हुए थे, यज्ञ की तैयारी की जा रही थी। तो भगवान तो समझ गए कि यज्ञ किसके लिए है। तो भगवान गए स्वयं अपने पिता के पास, कौन गए, भगवान गए, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कौन है, बोलो जोर से बोलो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी है ना। उनसे बड़ा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं है भगवान से बड़ा। तो भगवान गए अपने पिता के पास, और जाके भगवान कहते हैं कि पिताजी ये तैयारी क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है पूजा की तैयारी।
नंद बाबा जी ने तो कहा कि ये हमारे परिवार की परंपरा है, हमारे गांव की परंपरा है कि हम इंद्र को हर वर्ष प्रसन्न करते हैं यज्ञ के द्वारा। ये सब जो तैयारी है इंद्र पूजा के लिए है। तो इंद्र देवता है, इंद्र देवता है, इंद्र भी एक कंट्रोलर है, इंद्र भी एक ईश्वर है, इंद्र भी एक ईश्वर है, इंद्र भी नियंता है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंता। वो भी कंट्रोल करते हैं, स्वर्ग लोक से बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं ना। पवन एक देवता है, वरुण एक देवता है। जल के देवता कौन है? वरुण है ना। उनकी कृपा से हम सबको जल मिलता है। वायु देवता, वायु भी एक पर्सनालिटी है, उनकी कृपा से हम लोग सांस लेते हैं या दूसरी वायु अपना अपना कार्य करते हैं उनकी कृपा से। तो लेकिन इंद्र का अभिमान बढ़ गया था। भगवान ऐसा नहीं है कि इंद्र के यज्ञ को भगवान रोकना चाहते थे कि नहीं, इंद्र का यज्ञ है इसको रोको, केवल मेरी पूजा होना चाहिए, ये भाव नहीं है भगवान में। भगवान तो स्वयं अपने भक्तों की पूजा करते हैं, है ना। भगवान स्वयं अपने भक्तों की पूजा करते हैं। भगवान ने किस भक्त की पूजा की? सुदामा की पूजा की। भगवान ने सुदामा का अभिषेक किया, जैसे हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान ने सुदामा जी का अभिषेक किया। तो भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं। इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि पूजा रोकना चाहते थे देवताओं की, नहीं। इंद्र का अभिमान बढ़ गया था और भगवान अपने भक्तों में अभिमान देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए भगवान अपने भक्तों का अभिमान नष्ट करते हैं किसी न किसी लीला के द्वारा। तो इसलिए भगवान ने कहा, इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए आप लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें अन्न कौन देता है? वास्तव में हमारा पालन कौन करता है? हमारा जो पालन करता है हमें तो उसकी पूजा करनी चाहिए, और हमारा पालन कौन करता है? वृंदावन में थे, वृंदावन में क्या है? गिरि गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत है। तो भगवान ने कहा हमारी गौएं कहाँ चरने जाती हैं? गोवर्धन पर्वत में। गोवर्धन पर्वत की जो हरी हरी घास है वहां पे चर के, गोवर्धन की घास खा के हमारी गौएं दूध देती हैं, या जो हम अन्न भी उपजाते हैं तो इसी गोवर्धन की तलहटी में उपजाते हैं। तो हमारा पालन तो गोवर्धन पर्वत करते हैं। इंद्र तो वर्षा करेगा ही, चाहे आप पूजा करो चाहे ना करो। समुद्र कौन सी पूजा करता है? समुद्र के पास क्या जल की कोई कमी है? नहीं है, अथाह है, जल है, लेकिन समुद्र को विवश होके वहां भी बारिश करनी होती है। ये बारिश होती है तो समुद्र में भी बारिश होती है और बाहर भी बारिश होती है, तो समुद्र थोड़ी ना भगवान की पूजा करता है। तो आपने जो कुछ तैयारियां की हैं उन तैयारियों से हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में हमारे और हमारी गऊओं के पालनहार वो तो गोवर्धन है। इस संसार में लोग भक्तों की बात नहीं मानते हैं। कभी कभी भक्त कहते हैं कि देव पूजा मत करो, देव पूजा मत करो, देव पूजा मत करो, है ना। भगवत गीता की बात को बताते हैं, भगवत गीता में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि परम धर्म को अपनाओ, सबसे बड़े धर्म को अपनाना है, सारे धर्मों को त्याग के भगवान की शरण में जाना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, जिनकी सेवा जिनकी पूजा सारे देवता करते रहते हैं। ये कहा जाता है बारंबार शास्त्रों में, बारंबार लिखा गया, और यहाँ स्वयं श्री कृष्ण अपने पिताजी को बता रहे हैं, अपने पिताजी को रोक रहे हैं श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा को कि आप देव पूजा मत कीजिए, आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, अपने पिता को बता रहे हैं।
तो उन सब ने मान लिया। भगवान ने कहा, छोटे से बालक ने, 7 वर्ष के बालक ने कहा और सब ने मान लिया, ठीक है ठीक है। भगवान ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसी ऐसी बातें कही कि सब ने मान लिया कि हाँ ये सत्य है। और सत्य बोल रहा है स्वयं, सत्य, सत्य के मुखारबिंद से सत्य निकल रहा है, तो कौन उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो भक्तों की बातें भी मानना चाहिए। इस संसार में भक्त लोग बार बार कहते हैं कि यदि देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के लोक में जाएंगे। भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में कभी कभी लोग नहीं जाते हैं, जानते हुए भगवान को नहीं जाते हैं, और 9 दिन का उपवास रह लेते हैं माता दुर्गा के लिए जानते हुए। भक्त गण, उसमें भी इनिशिएटेड भक्त, 9 दिन का उपवास अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो भगवान के त्यौहार में नहीं पहुंच पाते हैं। कोई बुराई नहीं है, वो लोग तो यही कहेंगे कि हम कृष्ण की भक्ति चाहते हैं, भले ना चाहें लेकिन ऐसा बोलेंगे कि हम तो कृष्ण की भक्ति चाहते हैं इसलिए हम उनसे वही मांगते हैं। शास्त्र में कई बार इस बात को कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण को जानते हुए कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण में जाता है तो व्याभिचारिणी स्त्री के समान है, इतना लिखा गया है। वो किसके समान है? व्याभिचारिणी स्त्री के समान है जो अपने पति को त्याग कर दूसरे के पास जाती है, ऐसे स्त्री के समान है जो भगवान को जानते हुए भगवान को त्याग के अन्य किसी की शरण में जाता है। क्योंकि वास्तव में कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ, कृष्ण परम पति हैं, है ना, कृष्ण परम पति हैं। और दूसरे बहुत सारे पति हो सकते हैं और दूसरे बहुत सारे कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण परम पति हैं, इसलिए कृष्ण का त्याग नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा और सबने स्वीकार कर लिया एक ही बार में, ठीक है ठीक है। और बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत खुशी के साथ सब ने पूजा की, गोवर्धन पर्वत की पूजा की। कैसे पूजा की, किस प्रकार से, जो सामग्रियां बनाई थी उन सामग्रियों को उन्होंने बैलगाड़ी के ऊपर रखा, जितनी भी प्रकार की मिठाइयां बन, 4 प्रकार के पकवान बने हुए थे। 4 प्रकार के पकवान कौन कौन से होते हैं? चाप्य, चूसर, लेह और पेय, राइट, ऐसे है ना। चाप्य कुछ तो होते हैं, चाटने वाले होते हैं, चटनी इत्यादि चाटी जाती है, है ना। आज के ज़माने में टमाटो सॉस खाइए कौन चटनी बनाता है, बहुत कम लोग, फिर भी खैर साउथ इंडियन लोग से ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो तो नारियल की चटनी प्रतिदिन उनके घर में बनती है तो कुछ चाटने वाले पदार्थ होते हैं वो बनाए गए, कई प्रकार की चटनियाँ इत्यादि बनी, और कुछ चूसने वाले होते हैं जिनको चूसा जाता है, है ना, बनाए गए पकवान बनाए गए जिनको चूसा जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको चूसा जाता है? मैंगो तो भगवान ने बनाया है ये भगवान का बना, ड्रम स्टिक, ठीक है, उसको चूसा जाता है। तो ऐसे ही पदार्थ बनाए गए जिनको चूस कर खाया जाता है, और कुछ जिनको पिया जाता है, है ना, जैसे स्वीट राइस भी, अगर यदि उसमें दूध थोड़ा ज्यादा हो तो उसको पी सकते हैं, तो इस प्रकार से। और कुछ ऐसे हलवा इत्यादि थे, ये चबाए जाने वाले जैसे पूड़ी इत्यादि, लेह में हलवा भी आ जाएगा, मुंह में रखा और अंदर गया, उसको चबाने की आवश्यकता नहीं है, वो चबाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत मुलायम है, तो रखा। खीर भी ऐसा ही, रखा और अंदर गया। और कुछ चबाने वाले पकौड़े इत्यादि चबा के काट के खाने पड़ेंगे। तो बहुत प्रकार के पकवान बने, वर्णन है क्या क्या बनाया गया,
पूड़ी तली गई, और यहाँ तक कि ये भी लिखा गया कि पापड़ बनाए गए, पापड़ इत्यादि भी तले गए। तो ये सब बैलगाड़ियों के ऊपर रख के और स्त्रियों और बच्चों को बैलगाड़ी में बैठाल कर और सारे ब्रजवासी धीरे धीरे गोवर्धन की तरह आगे बढ़े। गोवर्धन में पहुँच के बहुत प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को बुला के उन्होंने यज्ञ करवाया, और जितना सामग्री जो भी सामान इत्यादि लेकर आए थे वो सब भगवान को ऑफर किया, वो सब गोवर्धन पर्वत को ऑफर किया। गोवर्धन पर्वत स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, ये भगवान ने बतला दिया कि हम श्री कृष्ण ही हैं। कैसे बतलाया? सारे ब्रजवासी कहते हैं कि जब हम ये यज्ञ करते थे तो यज्ञ में पूड़ी इत्यादि हलवा इत्यादि हम लोग छोड़ा करते थे स्वाहा स्वाहा कहकर, तो अग्निदेव ग्रहण करते थे और उन तक पहुंचा देते थे, अग्निदेव ट्रांसफर कर देते थे। नहीं, जब कहा जाता है कि जैसे इंद्र के लिए आहुति देना है तो इंद्राय नमः स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, ऐसा कहा जाता है, तो ये आहुति इंद्र को प्राप्त हो जाए, ये इंद्र के लिए है, इदम इंद्राय इदम नमः, ये मेरे लिए नहीं, तो इंद्र को पहुंच जाता है। इदम कृष्णाय इदम नमः, तो कृष्ण को पहुंच गया, हमारे लिए नहीं है, कृष्ण के लिए है। तो उसी प्रकार से सबने कहा कि लेकिन यहाँ ये गोवर्धन जी कैसे खाएंगे, गोवर्धन जी के सामने रख दिया है वो कैसे खाएंगे। तो सबके देखते देखते गोवर्धन के दो ऐसे हाथ निकल आए, दो हाथ ऐसे निकल आए देखते देखते गोवर्धन पर्वत के, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनाकार हो गए, गोवर्धन का स्वरूप धारण कर दिया, और जितना ऑफर किया था भगवान ऐसे हाथ में ले लेकर खाने लगे, गोवर्धन पर्वत खाने लगे। तब तक सुदामा इत्यादि ने कहा कि अरे रोको रोको, अगर ये सब खा गया तो हम क्या खाएंगे। श्रीदामा इत्यादि, अरे रोको इसको रोको रोको, इंद्र की पूजा करते थे तो हमें प्रसाद खाने को मिलता था, ये तो पूरा खा जाएगा तो हमें क्या खाने मिलेगा। तो भगवान ने सब कुछ खा लिया, गोवर्धन जी ने सब खा लिया, लेकिन फिर सबका सब फिर से सामने रख दिया, सारे ब्रजवासी खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। आपस में प्रेम का व्यवहार सबसे बड़ा क्या होता है? हाँ, क्या होता है? भुक्ते भोजयते चैव, भुक्ते भोजयते, ये सबसे अच्छा प्रीति का व्यवहार है। आप किसी को अपने घर बुलाइए, बढ़िया पकवान बना के खिलाइए, बहुत खुश होंगे। आप भी हमारे घर आइएगा, इस सैटरडे हम आए, अगले सैटरडे आप हमारे घर आइएगा, तो कहते हैं, है ना, और फिर वो अच्छा अच्छा भोग बनाते हैं। तो सबसे बढ़िया जो प्रीति का व्यवहार है, सबसे ज़्यादा खुश लोग कैसे होते हैं? खाने से और खिलाने से। गोवर्धन जी ने यही किया, इसलिए ब्रजवासी बहुत प्रसन्न थे। ऐसा प्रीति का व्यवहार तो आज तक किसी ने नहीं किया। इंद्र तो कभी पूरा नहीं लौटाए, अगर वो खा लिए तो वो लौटाए नहीं, लेकिन गोवर्धन जी तो खा भी लिए और हमें प्रदान भी कर रहे हैं। गोवर्धन जी ने सब कुछ खाया और वापस सब प्रदान कर दिया, वापस सब कुछ आके रख गया, तो फिर से श्रीदामा इत्यादि सब प्रसन्न हो गए, अर्जुन इत्यादि सखा थे जो भगवान के वहाँ बैठे हुए थे, वे सब बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, और वे भी खाने लगे। फिर सबने बहुत प्रसन्नता के साथ भोजन किया, और भोजन करने के बाद फिर परिक्रमा लगाई, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाई, परिक्रमा की, तो वे स्वयं भगवान हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करना भगवान की परिक्रमा करने के ही समान माना जाता है। इंद्र ने ऊपर से देखा, इंद्र को अभिमान हो गया था, जब ज़्यादा पूजा मिलने लगती है तो किसी को भी अभिमान हो जाता है, जब ज़्यादा सेवा मिलने लगती है
तो अभिमान हो जाता है ना। ऐसे तो अभिमान के चार कारण हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, एद मान मदह पुमान, नैवर हत विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। चार कारण हैं, ऊंचे कुल में जन्म, किसी अच्छे परिवार में जन्म, सुंदरता, अच्छी विद्या और धन मिल जाना, ये चार कारण हैं मद बढ़ जाने के। और कभी कभी इसके कारण ही लोग सम्मान करते हैं, जैसे किसी के पास अच्छी शिक्षा है, कोई ज्ञानी है तो लोग सम्मान करते हैं, या कोई बहुत सुंदर है ना। आज की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, तो जब वो लोग अपने माता पिता को देखते हैं ऑल्टर के पास में अगरबत्ती घुमाते हुए और पूजा करते हुए, प्रणाम करते हुए, तो वो लोग कहते हैं कि क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जितनी देर में अगरबत्ती घुमा रहे हो, जितनी देर में पाठ कर रहे हो, जो भी पाठ करते हैं, उतनी देर में आप जाके ज़्यादा धन कमा लेंगे। वो लोग इसीलिए बताने में सक्षम होना चाहिए। आजकल के व्यक्ति, यदि बच्चे पूछें कि क्यों पूजा कर रहे हो, तो माता पिता को बताने के लिए कुछ है ही नहीं, ये भगवान है बेटा, करना पड़ता है, हमारे माता पिता ने भी किया है, हमने उनसे देखा है, सीखा है, तो तुम्हें भी करना है, दीपावली की पूजा है बेटा, हम लोग करते चले आए हैं सदियों से, हमारे पूरे परिवार ने किया है, तो तुम्हें भी करना है। लेकिन वो पूछ लें कि दीपावली क्यों मनाते हैं, तो पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है कि दीपावली क्यों मनाते हैं। जैसे कल के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए थे, दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो एक दो लोगों को ही मालूम था, किसी को मालूम ही नहीं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, बस हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, टैक्स कर दिया, हो गया, फोटो भेज दिया, हो गया। लेकिन क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसके पीछे कारण क्या है, कुछ मालूम ही नहीं, तो क्यों बच्चे स्वीकार करेंगे। बच्चे तर्क चाहते हैं, तर्क के द्वारा उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो जानना आवश्यक है शास्त्रों को, तब बता सकते हैं। लेकिन वही बच्चे, वो लोग जो कहते हैं कि आप आधे घंटे टाइम वेस्ट करते हैं सुबह शाम ऑल्टर के पास में, ये आपको क्या देते हैं, हम लोग अपने बल से सब कुछ कमाते हैं, और वही बच्चे जाके दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, कोई बहुत बड़ा फिल्मी स्टार आ गया, कोई एक्ट्रेस आ गई, तो फिर उसके प्रोग्राम में चले गए, फिर $100, $300, $400 दे के टिकट लेके, और देख रहे हैं घंटों घंटों, उन लोगों को देख रहे हैं बस। तो ये टाइम वेस्ट नहीं है। लेकिन पूजा, कोई अगरबत्ती यदि घुमा रहा है भगवान के साथ सामने, तो वो टाइम वेस्ट है। तो समाज इस तरफ आगे जा रहे हैं, लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो माताओं को, पिताओं को बहुत समझदार होना चाहिए, सभी व्यक्ति को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को भगवान के विषय में जानना चाहिए, कि जब उनके बच्चे पूछें तो उनको वो बता सकें, सही कारण बता सकें, जिससे वो भी इस दिशा में आगे बढ़ें, तो उनको जानना चाहिए। तो सब ने परिक्रमा की खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, जानकर कि हाँ, ये वास्तव में परम देवता हैं, ये रेसिप्रोकेट करते हैं, इन्होंने तो खाया, हम सब ने देखा, इन्होंने खाया और हमें दिया भी, तो वास्तव में यही हमारे पालनहार हैं, सबसे बड़े पालन करता है। तो सब लोग खुशी से परिक्रमा करके, प्रणाम करके, कृष्ण को बधाई देते हुए कि कृष्ण तुमने बहुत सही कहा, लाला तुमने ठीक कहा, ठीक कहा, ठीक कहा, और वो चले गए, सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन इंद्र को अभिमान हो गया कि हर बार मेरी पूजा होती थी, इस बार मेरी पूजा नहीं की, कैसे नहीं की, कैसे नहीं की, छोटे से बालक के कहने के कारण इन्होंने मुझे ठुकरा दिया, छोटे से बालक के कहने के कारण। यही गलती थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले ब्रह्मा जी ने की थी, उस बालक को समझ नहीं पाए थे कि यही बालक सुप्रीम कंट्रोलर है,
और उन्होंने परीक्षा लेने की कोशिश की, और वही गलती किसने की? इंद्र ने की। ये वही इंद्रादि देवता हैं जो डर के कारण, कंस इत्यादि राक्षसों से डर के कारण ब्रह्मा जी को साथ में लेकर और गौ को साथ में लेकर क्षीर सागर में गए थे, क्षीर सागर के तट में गए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अनेक अनेक स्तुतियों में भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान आप अवतार लीजिए, हे भगवान आप अवतार लीजिए, हमारे संकट को हरिए हरिए, अनेक श्लोकों में प्रार्थना की। और भगवान ने सब कुछ बता दिया कि देखो मैं कहाँ रहूँगा, किससे जन्म लूँगा, सब कुछ बताया था भगवान ने। जब भगवान गर्भ में आए उस समय भी इन्होंने प्रार्थना की थी इंद्रादि देवताओं ने, और अब भूल गए। जब भगवान लीला कर रहे हैं ब्रज में तो भूल गए कि साधारण ग्वाल जो गऊओं को चराता है वो कैसे भगवान हो सकता है, कैसे वो भगवान हो सकता है। देखिए तो गर्व इसे कहते हैं, अभिमान इसे कहते हैं कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं, फिर उनके आंखों के सामने एक पट्टी लग जाती है ना, जिसे कहा जाता है ईगो। और लेकिन आजकल के लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भाषा में उसको कहते हैं कि प्राइड, जिएंगे तो प्राइड से जिएंगे, है ना ऐसा। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि एक ही बातें हैं, ईगो प्राइड ये सब एक ही बातें हैं, लेकिन नहीं जान पाते हैं। तो भगवान को नहीं जान पाए, और अभी हम पूरे गौ धन के साथ में ब्रज को नष्ट कर देंगे। वही माता सुरभि ऊपर रहती हैं स्वर्ग में, सुरभि गौ के रूप में जो देवताओं को सब कुछ प्रदान करती हैं। और इंद्र ने क्या सोच लिया कि इनके गौ धन के साथ में नष्ट कर देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे, ग्वालों को नष्ट कर देंगे। ये भगवान ऐसे हो सकते हैं कि भक्त से यदि कुछ गलती हो जाए तो उसको नष्ट कर दो, मार दो, क्या ऐसे भगवान हो सकते हैं? क्या कृष्ण भगवान ने कभी ऐसा किया कि उनके भक्त से कोई गलती हो गई हो तो मार दिया हो, सीधे छोड़ दो, मार के जाने दो नरक में, छोड़ देते हैं। हम लोग भगवान से द्वेष करके इस संसार में आए, इस भौतिक संसार में, तो भगवान टॉर्च लाइट दिखाते हुए हमारे हृदय में प्रवेश कर गए हमें ज्ञान देने के लिए, हमें नॉलेज देने के लिए हृदय में प्रवेश कर गए भगवान, है ना। 84 लाख योनियों में जो कीड़ा मल में रहता है, मल में जो कीड़ा रहता है उसमें भी भगवान निवास करते हैं। तो ये भगवान की करुणा है, ये है भगवान की करुणा। भगवान कभी भी गलती हो जाने पर भी अपने भक्तों को कभी नष्ट नहीं करते। अब देखिए इंद्र कितनी बड़ी गलती करने वाला है, लेकिन क्या भगवान ने उसको मार दिया? बाद में इंद्र ने संवर्तक बादलों को बुलाया और बुला के कहा कि पूरे ब्रजवासियों को इनके गौधन के साथ में नष्ट कर दो, मैं स्वयं रहूंगा वायु को तीव्र करने के लिए। और सब अपने पार्षदों को बुलाया, वायुदेव सबको बुलाया, आंधी चलाओ, टोर्नाडो आना चाहिए वृंदावन में, और फ्लड आ जानी चाहिए चारों तरफ, साइक्लोन लेके आओ, सबको जितने प्रकार के जो दैविक ताप होते हैं वो सारे के सारे ताप मिलना चाहिए। तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा का अर्थ जानते हैं क्या होता है? बच्चे कौन बताएंगे? संवर्तक बादल कैसी बारिश करते हैं? संवर्तक बादलों के द्वारा जो बारिश होती है वो कैसी होती है जानते हैं? जी हाँ ठीक है, तूफान वाली। और बताइए, मानसून वाली। मानसून वाली ठीक है, मानसून वाली। हाथी के सूंड के जैसी बूंदें गिरती हैं,
अभी बारिश होती है बाहर, हम लोग देखते हैं कभी कभी हमारे शरीर में लगती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कभी कभी कहते हैं कि अरे इंडिया में कहते हैं चलो सावन आया बाहर चलो थोड़ा भींगो, है ना, लोग ऐसा कहते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो हाथी की सूंड के समान यदि बारिश गिरने लगे तब बताइए क्या हो, कोई बाहर जाएगा ना, अंदर रह पाएंगे ना बाहर, क्योंकि अंदर भी छेद हो जाएंगे, सीधे चले जाएंगे कहीं और अपने कर्मों के अनुसार। तो बहुत अच्छा, श्रीमती राधा रानी की आप भी किसी को दे सकते हैं ये, और एक माता जी के लिए भी मानसून वाली बारिश पीछे दे दीजिए। संवर्तक बादलों ने बारिश प्रारंभ की, गौएं प्राण त्यागने ही वाली थीं, गौएं अपने बछड़ों को अपने शरीर के नीचे रखने लगीं, अपने शरीर के नीचे ना, पहले की गौएं थोड़ा मस्त होती थी, मोटी होती थी, तो उनके बछड़ों को उन्होंने अंदर रख लिया, अपने अंदर बचाने लगीं और चिल्लाने लगीं, जैसे गाय जब चिल्लाती है तो जोर जोर से गाय चिल्लाने लगीं, उस वृंदावन के जितने भी निवासी हैं सब चिल्लाने लगे, कुछ लोग तो कहने लगे ये इंद्र का प्रकोप है, देखो कृष्ण की बात मानकर हमने क्या कर दिया, कृष्ण ने कहा था कि पूजा करो हमने किया, अब कृष्ण तुम ही बचाओ, ये इंद्र के प्रकोप से अब कौन बचाएगा हमें। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए, सारी करतूत इंद्र की समझ गए, तुरंत सब जान गए, और भगवान ने ऐसा सोचा अपने मन में कि इंद्र का अभिमान बढ़ गया है और मैं इंद्र के अभिमान को अभी चूर किए देता हूँ, और ऐसा सोचकर भगवान आगे बढ़े, भगवान दौड़कर आगे बढ़े गोवर्धन की तरफ। तो वर्षा हो रही थी जोरों से, तो क्या हो जाना चाहिए, भगवान आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए वर्षा के कारण, फ्लड तो आ ही रही थी चारों तरफ, भगवान पे कैसा प्रभाव पड़ना चाहिए उस संवर्तक वर्षा का, बादलों के द्वारा, संवर्तक बादलों के द्वारा वर्षा का क्या प्रभाव पड़ना, आप बाहर जाएंगे बारिश में तो क्या होगा, भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे, है ना। भगवान गए दौड़कर आगे गोवर्धन पर्वत के पास, और गोवर्धन पर्वत की एक शिला को कहीं से ऐसे पकड़ा, कहीं से भी पकड़ा, अब सीधे तो नीचे अंदर चले नहीं जाएंगे, चाहे तो जा भी सकते हैं, लेकिन बाहर से भगवान ने एक शिला को ऐसा पकड़ा, गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा है, आप लोगों ने परिक्रमा की होगी, एक जगह ऐसा पकड़ा शिला को, और भगवान ने ऐसे ऊपर उछाल दिया पकड़ के। इसको भी अगर हम लोग पकड़ के ऊपर उछालने की कोशिश करेंगे तो ये भी नहीं उठेगा, है ना, न्यूजीलैंड की लकड़ी है, कहाँ की लकड़ी है, बहुत भारी होगी। लेकिन भगवान ने सीधे ऐसे पकड़ा और ऐसे उछाल दिया तो ऊपर चला गया, और भगवान बीच में चले गए, और भगवान ने ऐसे कनिष्ठा के ऊपर धारण कर लिया, बाएं हाथ में ऐसे धारण कर लिया भगवान। लेकिन भगवान गीले नहीं हुए, भगवान तनिक भी गीले नहीं हुए, उस संवर्तक बादलों के द्वारा की जाने वाली वर्षा की एक बूंद भी भगवान के ऊपर नहीं पड़ी। ये प्रभाव था भगवान की योग माया शक्ति की एक अंश रूपा संहारिणी शक्ति का, भगवान की भी एक शक्ति है योग माया की अंश रूप संहारिणी शक्ति, उसने एक, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, परास शक्तिर विविधे विविधे विसूयते, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो उसमें से एक शक्ति है संहारिणी शक्ति, एक बूंद भी भगवान के ऊपर उसने पड़ने नहीं दी, तो भगवान गीले नहीं हुए, थोड़े भी गीले नहीं हुए। तो ये क्या भगवान की भगवत्ता नहीं है, क्या ये भगवान का ऐश्वर्य नहीं है, कौन है ऐसा जो बारिश में, ऐसी बारिश में जाए और गीला ना हो, तो बह जाएगा पता नहीं कहाँ बह जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान थोड़े भी गीले नहीं हुए और जाके ऐसे धारण कर लिया, और ऐसा लिखा गया है किस प्रकार से धारण किया, इति उक्त्वैव केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम
दधार लीलया विष्णु छत्राकमिव बालकः, छत्राकमिव बालकः। जिस प्रकार से छोटे छोटे बालक छतरी धारण करते हैं बाहर निकलते समय, अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, जैसे कहीं कुकर मुत्ता लगा हो। कुकर का अर्थ होता है कुत्ता। कुकर मुत्ता, कुकर के मुतने के कारण एक छत्ता निकलता है, जिसको प्रेम से लोग मशरूम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मशरूम भगवान को ऑफर नहीं होता है, भले उसमें कितना प्रोटीन हो लेकिन वो भगवान को ऑफर नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत में उसे कुकर मुत्ता कहा जाता है। कुकर के पहले इस प्रकार से अभी तो लोग उसकी खेती करते हैं बेचने के लिए, तो लेकिन अपवित्र माना जाता है, वो भी अपवित्र होता है। तो जिस प्रकार से कोई बालक खेल खेल में किसी कुकर मुत्ते को, किसी छतरी को ऐसे उखाड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया, और गोवर्धन पर्वत को उखाड़ के भगवान ने अपनी कनिष्ठा के ऊपर धारण कर लिया। तो भगवान की भंगिमा कैसी थी? भगवान की वो मूर्ति, वो भगवान का स्वरूप कैसा था? भगवान ने किस प्रकार से स्वरूप धारण किया था? एक भगवान का हाथ उनकी कमर में है ना? तो नाम लेके पूछे। भगवान का कौन सा हाथ उनकी कमर में है? राइट हैंड साइड। क्यों? लेफ्ट हैंड से तो भगवान ने, आप हिंदी पढ़ते हैं? हिंदी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो इंग्लिश में कोई बुक है क्या? सब हिंदी में ही है। गिरि गोवर्धन, कोशिश कीजिए कोई पढ़ के सुनाएगा आपको। ठीक है, भगवान का जो राइट हैंड था वो कहाँ पे था? उनकी कमर में था, ऐसे ऐसे कमर में था। और लेफ्ट हैंड से भगवान ने इस प्रकार से गोवर्धन धारण करके रखा था, ऐसे बस ऐसे खड़े थे भगवान। और भगवान के पैर भी त्रिभंग ललित थे, एक एक पैर को थोड़ा सा से मोड़ के भगवान रखे थे, जैसे भगवान खड़े रहते हैं। अभी तो वस्त्र पहने हैं तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भगवान त्रिभंग ललित खड़े थे ऐसे हाथ रख के। तो हाथ तो थोड़ा भगवान हिला लेते थे, हाथ अपना हिला लेते थे, कभी कभी बीच में बांसुरी बजाने लगते थे, लेकिन पैर वो थोड़ा भी नहीं हिलाते थे। भगवान ने पैर को एक स्थान से दूसरे स्थान में हिलाया नहीं, 7 दिन 7 रातों तक भगवान उसी प्रकार से खड़े रहे एक स्थान पर। मानो भगवान ने अचल को उठाया है, अचल का अर्थ होता है पर्वत। जब भी हम इस कथा को कहते हैं, गोवर्धन की कथा को कहते हैं, तो हमें याद आ जाती है जब महाराज ने हमें दीक्षा दी थी, उस समय की याद आ जाती है, और हमारे गुरु महाराज की याद आ जाती है। 2002 में जुहू मंदिर में रामनवमी में अंतिम दिन गुरु महाराज ने दीक्षा दी थी। कुछ दिन पहले हम उसमें फोटो देख रहे थे, तो हमें दिव्य गोविंद प्रभु भी उसी समूह में बैठे दिखाई दिए। उस समय तो उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन तो एक ही मंडप में बैठे हुए थे। तो 2002 और रामनवमी, तो महाराज दीक्षा दे रहे थे, और दीक्षा देते देते महाराज ने बुलाया, तो सब लोगों ने पहले से ही डराया था कि तुमसे तो महाराज बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे। दीक्षा देने के पहले गुरु महाराज प्रश्न पूछते हैं हमेशा, तुमसे तो पूछेंगे कठिन प्रश्न पूछेंगे, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। फिर इसको महाराज ने कहा कि 4 नियम कौन से हैं पूछा। इसके बाद फिर महाराज कहने लगे, महाराज कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा के ऊपर उठाया था। तो हमारा हृदय धक
ये तो हमें नहीं मालूम है। अब क्या पूछने वाले गोवर्धन पर्वत के विषय के बारे में, ये तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, बता नहीं पाएंगे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा के ऊपर धारण किया था, और पर्वत चलते नहीं हैं, इसलिए पर्वतों को अचल कहा जाता है। और जिस दिन से गोवर्धन ने भगवान को अपनी कनिष्ठा के ऊपर धारण किया, तो उस दिन से गोवर्धन पर्वत का एक नाम पड़ा अचल कृष्णा। तो आज से तुम्हारा नाम हुआ अचल कृष्णा। तो मैंने कहा ठीक है। अरे हमने कहा ठीक है, कुछ पूछा नहीं, बच गए। ठीक है। तो जब भी एक कथा करते हैं तो राधा गोविंद महाराज जी की याद आ जाती है। तो गोवर्धन पर्वत का एक नाम है अचल कृष्णा। तो अचल कृष्णा को भगवान ने उठाया है, तो कृष्णा कैसे चल सकते हैं? तो कृष्ण भी अचल रहेंगे। कह रहे तुम अचल कृष्णा हो तो हम भी अचल कृष्णा हैं। भगवान ने कहा हम भी नहीं चलेंगे। तो भगवान ने एक कदम भी उठा के यहाँ या यहाँ पर नहीं रखा। जहां पर एक बार कदम जमा लिया तो जमा लिया। वैसे भी कृष्ण जिसके हृदय में कदम जमा लें तो फिर वहां से हिलते नहीं। यदि किसी के हृदय में यदि आ जाएं, कहते ना भगवान टेढ़े हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, इसलिए हृदय के अंदर जाते नहीं। किसी ने कहा अरे भाई अपने अंदर कृष्ण को बसाओ, अरे वो तो तीन जगह से टेढ़े हैं, कितना घुसाने की कोशिश करता हूँ लेकिन प्रवेश करते ही नहीं है, हमारा मन उनमें लगता ही नहीं है। ठीक है वो तीन जगह से टेढ़े हैं, यदि एक बार किसी के हृदय में चले जाएंगे तो फिर बाहर भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो टेढ़े हैं तो बाहर भी नहीं निकलेंगे। केवल एक बार उनको हृदय में लेकर आना है, फिर वो बाहर नहीं निकलेंगे। जहां भगवान पैर जमा लें तो जमा लें। तो अचल कृष्ण ने पैर जमा लिया और अचल कृष्ण को उठाए हुए थे भगवान श्री कृष्ण। बीच हाथ हिलाते थे कभी कभी, हाथ से कहते थे ठीक है, कभी कभी ऐसे कहते थे, ये बांसुरी निकाल कर बांसुरी बजाने लगते थे, अपने दाएं हाथ से ही पकड़ के ऐसे बजाने लगते थे, और हाथ के ऊपर कनिष्ठा में ऐसे पर्वत धारण किए हुए थे, और फिर से कभी कभी अपनी बांसुरी को रख के फिर से हाथ को ऐसे रख लेते थे कमर के ऊपर। तो ये भगवान की अनोखी छवि थी। भगवान ने लीला के द्वारा ऐसा किया, गोवर्धन पर्वत को उठाए तो लीला के द्वारा उठा लिया, और उठाने के बाद अथाह भगवान गोपान हे अम्बा तात ब्रजौ कसा, भगवान सबको बुलाने लगे कि आ जाओ हे ब्रजवासियों, हे गोप, हे माताओं, हे अम्बा। अम्ब का अर्थ होता है माता जो जन्म दे। तो हे माताओं, तो रोहिणी मैया आ जाओ, यशोदा मैया आ जाओ, दूसरी भी माताएं सबको बुला रहे हैं भगवान, आ जाओ। हे तात, पिता इत्यादि अपने पिताओं को बुलाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं यथोप जोसम विशता, यदि तुम्हारी इच्छा हो अंदर आने की तो आ जाओ। कौन मृत्यु से बचना नहीं चाहता था? वो संवर्तक बादल की वर्षा तो मृत्यु थी, तो हर कोई अंदर जाना चाहता था, तो दौड़ के सब अंदर जाने लगे। इसको उठाने के पहले, गोवर्धन पर्वत उठाने के पहले गौवे कृष्ण की तरफ देख रही थी, अपने बच्चों को बचाने के लिए गौएं भी कृष्ण की तरफ देख रहे थे। तो भगवान ने कहा अपने गौधन के साथ में इस पर्वत के नीचे आ जाओ यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। तो सब नीचे आ गए। पहले तो सबने देखा, थोड़ा संकोच किया अंदर जाने के लिए कि कहीं ये गोवर्धन पर्वत भगवान के हाथ से गिर गया तब क्या होगा, हम लोग अंदर जाएं और ये गोवर्धन पर्वत अगर भगवान के हाथ से गिर जाए तो क्या होगा, हम सब की आज चटनी बन जाएगी। तो इसलिए सब लोग इसे देख रहे थे। तो भगवान कहते हैं डरो मत, मद हस्त अद्रि निपात नाथ, ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे हाथ से नहीं गिरेगा। भगवान की बात सब लोग मानते हैं। तो अगर आप लोग वर्षा से बचना चाहते हैं, भयभीत हो, तो आप लोग अंदर आ जाओ और अपने दुख से छुटकारा पाओ। तो सब लोग आ गए और सब आके भगवान के चारों तरफ खड़े हो गए, सब आके। राधा रानी भी उसके अंदर थी, जितनी भी सखियां थीं, अष्ट सखियां,
जितने भी ग्वालिन थे वो सब थे, राधा रानी भी वहां पर थे, जितने भी भगवान के सखा थे वो सब के सब सखा भी वहां पर थे। कितनी गायें होंगी उसके अंदर, कितनी गायें होंगी। कहा जाता है कि 9 लाख गायें तो केवल नंद बाबा की थी, 9 लाख गायें। और ये जो ब्रजव कसा है, ब्रज के लोग हैं, ये गोष्ट है भगवान का। गोष्ट का अर्थ है कि भगवान का घर, भगवान का गांव। भगवान अपने गांव में किसी को मरने नहीं दे सकते हैं, भगवान के गांव में कोई मर नहीं सकता है। तो एक भी गौ बाहर नहीं थी, तो 9 लाख गाय केवल नंद बाबा की थी। अब बाकी किसी के 1,000, किसी के 2,000, किसी के लाख वो भी होंगे, तो सब के सब आ गए। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उस समय करोड़ों अरबों लोग आ सकते थे, क्योंकि वह स्थान वैकुंठ के समान बन गया था। सने कि भगवान ने उठाया तो नीचे से सांप निकल रहे होंगे, भयानक जंतु जैसे चल रहे होंगे, किसी को डर लगेगा, अरे अरे नहीं थोड़ा देख के पैर रखें, कहीं गड्ढा है कहीं नहीं। नहीं चलो तो ऐसा लगता था जैसे मखमल के ऊपर चल रहे हैं। पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है कि वो स्थान महलों की भांति था, महलों की भांति। उठाने के बाद जो जगह, जिस जगह में भगवान खड़े हुए थे, महलों की भांति सुंदर था। भगवान के वहां पर रहने के कारण चारों तरफ से, चारों ओर से मणियां चमकने लगीं, मणियां निकल आईं, बहुत सुंदर सुंदर मणियां, नील मणियां और भी बहुत अच्छी अच्छी मणियां निकल आईं, और मणियों से वो जगह प्रकाशित हो रही थी। तो मणियों के कारण और भगवान के स्वयं रहने के कारण वो वैकुंठ से भी अधिक यशस्वी स्थान था, उत्तम स्थान था, उत्तम स्थान था, अच्छा स्थान था। हम लोगों को घर के अंदर, घर के अंदर क्या, महलों के अंदर उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद उस समय वहां के लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आ रहा था। और सब लोग भगवान की तरफ देख रहे थे, सब लोग भगवान की तरफ देख रहे थे, बातें कर रहे थे भगवान अच्छे से, बढ़िया से, हिल नहीं रहे थे, केवल बस एक स्थान पे खड़े थे, अपने हाथों को हिलाते थे। और वो लोग गए थे घर से, भाग कर गए थे उस पर्वत के नीचे, तो इतना समय नहीं था किसी के पास कि वो आटा चावल लेके गए हों कि अंदर कुकिंग कर लेंगे। अब किसी को ये भी नहीं मालूम था कि कितने देर तक ये इंद्र वर्षा करने वाला, ये भी नहीं पता था, नहीं तो थोड़ा लेके भी जाते आटा चावल कृष्ण के लिए और अंदर जाके कुकिंग करते। तो ऐसा लिखा गया है कि भगवान को भूख ने और प्यास ने भगवान को थोड़ा भी क्षुब्ध नहीं किया। भूख और प्यास को सहकर, सहकर क्या, भूल कर, भूल कर। हम लोग हैं कि सुबह से यदि दोपहर तक ना खाएं तो फिर लगने लगता है अरे अभी कुछ खाया नहीं है, खाने की तरफ यदि देखें भी तो कब मिलेगा, शाम तक फास्टिंग करना है, 3-4 कब बचेंगे, 5, चलो थोड़ा घूम आते हैं, तो थोड़ा हमारा मन दूसरी तरफ चला जाएगा, उस तरफ नहीं रहेगा भोजन की तरफ, है ना, ऐसा होता है। लेकिन भूल कर, भगवान भी भूल गए थे और वहाँ पर रहने वाले सारे लोग भूल गए थे। कितने समय तक, एक और किताब मिलेगी फिर तो आपको, दीक्षा के लिए तैयार हो जाइए आप, हरि नाम दीक्षा। 7 दिन और 7 रातों तक ना किसी को भूख लगी ना किसी को प्यास लगी। देखिए 7 दिन 7 रात, ना कोई भूख से क्षुब्ध था ना कोई प्यास से क्षुब्ध था। क्यों? क्योंकि कृष्ण जैसे अमृत का दर्शन हो रहा है, सब अपनी आंखों से कृष्ण अमृत का पान कर रहे हैं, तो कैसे भूख लगेगी, कैसे प्यास लगेगी। कुछ सखा कभी कभी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्या कहते हैं अपनी लाठी को लेकर, क्या कहते हैं सखा, सपोर्ट करने के लिए, नीचे कर दे तो फिर नीचे हाँ
और बताइए, अच्छे से बताइए उसको, डरिए मत, सब अपने लोग, हम बुक लेके तैयार हैं, बताइए। नहीं, सब सखा बोलते थे कि भगवान को कि ऐसे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना हाथ नीचे कर रहे थे, भगवान अपना हाथ नीचे कर देते तो वो नीचे आ रहा है, तो फिर सब वापस ऊपर कर लेते। हाँ चलिए, जय हरे कृष्णा। ये दो किताब पढ़ के सुनाएंगे आप उनको भी, ठीक है, बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों। सारे सखा अपने लाठी को लिए हुए थे और सब कहते हैं कृष्ण तुम थक गए होगे, बहुत देर हो गई तुम्हें पकड़े पकड़े, गोवर्धन तो तुम थक गए होगे, तुम थोड़ा विश्राम कर लो, हम लोग तुम्हें सपोर्ट देते हैं, हम लोग इसको लगा लेते हैं, सब अपने सब ने अपनी लाठी लगा दी ऊपर, अब तुम हाथ नीचे करो, कोई बात नहीं है। और बलराम जी ऐसे खड़े खड़े देखते हैं, हाँ बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं, बलराम जी, बलराम बलराम जी क्या धारण करते हैं, पृथ्वी धारण करके रखे हैं अपने फणों के ऊपर, ब्रह्मांड भी धारण करते हैं, पृथ्वी भी धारण करते हैं, देखिए बलराम जी। तो बलराम जी के लिए वो गोवर्धन उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं, जो ब्रह्मांड उठा लिए, जो पृथ्वी उठा के रखते हैं, वो चाहते तो एक तो कृष्ण के सेवक हैं, आगे बढ़ के उठाना चाहिए था ना, और थोड़ा सपोर्ट तो देना चाहिए था एटलीस्ट कि ठीक है हम भी तुम्हारे साथ, ऐसे जब चलते थे कृष्ण बलराम तो कैसे चलते थे, ऐसे हाथ डाल के गले में, कृष्ण के गले में बलराम हाथ ऐसे डाले रहते थे और बलराम के गले में कृष्ण, और ऐसे चलते थे, और आज जब विपत्ति आए तो कृष्ण बेचारे अकेले उठाए हैं और बलराम जी ऐसे हंस रहे हैं देख के, सारे ग्वाल बाल वो लगा लिए, सपोर्ट लगा दिया, लेकिन बलराम जी वो आगे नहीं बढ़े, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। भगवान ने कहा कि ठीक है तुम लोगों की इतनी इच्छा है, पहले तो भगवान ने कहा अरे क्यों परिश्रम करते हो, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, मैं उठाया हूँ, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं 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 तुम थक गए होगे, हमसे देखा नहीं जा रहा है कृष्ण, हमें भी कुछ मौका दो तो हमारा भी नाम होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं नीचे करता हूँ, तो जैसे भगवान थोड़ी सी उंगली ऐसे नीचे किए तो पर्वत नीचे आने लगा, हाँ, तो सब डर गए, अच्छा अच्छा ठीक है तुम पकड़े रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है ना तुम पकड़े रहो, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, अच्छा तुम्हारी इच्छा है चलो तुम पकड़े रहो, पकड़े रहो। बलराम जी ने क्यों नहीं सपोर्ट दिया, कारण क्या था, क्या कारण था? बलराम जी कर सकते थे, उठा सकते थे गोवर्धन को, लेकिन क्यों नहीं उठाया? होंगे बड़े बलवान, उठा लें ब्रह्मांड को, उठा सकते हैं पृथ्वी को, लेकिन कृष्ण को नहीं उठा सकते हैं। कृष्ण को कौन उठा सकता है? कृष्ण को कोई नहीं, कृष्ण को उठाएंगे तो कृष्ण ही उठाएंगे, कृष्ण को यदि कोई उठा सकता है तो कृष्ण ही उठा सकता है, और कोई नहीं उठा सकता है। बलराम तो ये गोवर्धन पर्वत कौन है? कृष्ण स्वयं है, कृष्ण स्वयं है, तो बलराम जी, हाँ ठीक है। दूसरा कारण है, बलराम जी चाहते थे कि इस जगत में कृष्ण का नाम हो, कृष्ण की लीला सामने आए, ये चाहते थे बलराम जी। यदि मैं उठा दूंगा तो सब लोग कहने लगेंगे कि अगर वो बलराम हाथ नहीं देता तो वो गोवर्धन कृष्ण से उठता नहीं, वो बलराम ने उठाया इसलिए उठ गया, और लोग क्या ब्रजवासी कहने लगते, उसी दिन से कहने लगते, उसी समय से कहने लगते कि यदि बलराम ने हाथ नहीं दिया होता ना तो ये तुम्हारे बस की बात ये नहीं थी गोवर्धन उठाना, लेकिन बलराम जी ये चाहते थे कि सारा जगत जाने कि कृष्ण के पास शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है, ये चाहते थे बलराम जी, कृष्ण का यश सारे जगत में फैले, इसलिए उन्होंने नहीं उठाया, इसलिए वे दूर खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। सारी सखियाँ वे चाहती थी कि कृष्ण हमारे साथ रहें, जितनी भी ब्रजवासी स्त्रियां थी वो चाहती थी कृष्ण हमारे साथ रहें, रात भर रहें, एक दिन क्या कई दिन रहें, लेकिन कैसे उनकी इच्छा पूरी होती, कैसे उनकी इच्छा पूरी होती, कृष्ण को तो अपने घर में रहना है, उनको अपने घर में रहना है, तो लेकिन भगवान ने सबकी इच्छाओं को पूरा कर दिया इस लीला में, सब कृष्ण के साथ थे 7 दिनों तक और 7 रातों तक,
ये सुअवसर सबको प्राप्त हुआ कृष्ण के साथ रहने का। दूसरी माताओं को ये अवसर प्राप्त हुआ, सखाओं को ये अवसर प्राप्त हुआ। वो सखा कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते थे, रात्रि बहुत मुश्किल से कृष्ण को जाने देते थे खेल कूद के। मैया को कई बार कहना पड़ता था, अरे लाला अब तो शाम हो गई है, अब खाने का समय हो गया है, डिनर टाइम है अभी, तो तुम लोग जाओ अपने घर में, अपना अपना खाना खाओ, तुम्हारी मैया इंतजार कर रही होगी, और कृष्ण को भी आने दो घर में, इसको सोने दो खाने दो। तो बड़ी मुश्किल से वो जाते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे अपने घर लौट के, नहीं जाना चाहते थे, लौट के जाते थे। और कोई कोई सखा रात में 1 बजे ही आ जाता था, अरे कृष्ण सुबह हो गई चलो चलना है गौवें चराने, क्योंकि कृष्ण का विरह सह नहीं पाते। तो मैया उनको कहती थी, अरे अभी रात्रि है, अर्धरात्रि, जाओ अपने घर जाओ। तो कई बार भगाना पड़ता था उनको, रात्रि में कई बार आते थे कि कृष्ण सुबह हो गई, कृष्ण सुबह हो गई। कृष्ण के साथ रहना चाहते थे हमेशा। तो कृष्ण ने इस लीला में सौभाग्य दिया, 7 दिन और 7 रातों तक लोग कृष्ण के साथ रह सकते थे इस गोवर्धन लीला में। सखियों को भी सुबह, और कोई रोक टोक नहीं थे। दूसरे समय तो लोग रोकते थे कि क्यों देख रहे हो उस तरफ, वो तुम्हारा पति है क्या? पर पति की तरफ नहीं देखा जाता, चलो घर का काम करो। लेकिन यहाँ तो सब कृष्ण को देख रहे हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है, कृष्ण बीच में खड़े हैं लेके, बार बार ये हाथ पर नहीं है, ये हाथ तो यहाँ पर है, सब देख रहे हैं कृष्ण को, सब माताएं भी देख रही हैं, पुरुष भी देख रहे हैं, पिता भी देख रहे हैं, बालक भी देख रहे हैं कृष्ण, और एक टक देखते जा रहे हैं कृष्ण को। इंद्र वो बार बार स्वर्ग से आके देखता था कि अभी तक कृष्ण, इंद्र ने ऐसा सोचा कि थोड़ी देर में रख देगा और इस सबका नाश हो जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी देर में आके देखता था, अभी तक लिया है, अभी तक लिया है, अभी तक लिया है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये बालक वैसे ही खड़ा है। और लोग आके बताते थे, उनके गुप्तचर आके बताते थे इंद्र के, अरे वो लोग तो बहुत आनंद से हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं वहाँ पर, बहुत आनंद से हैं, ऐसी बारिश में भी आनंद से हैं। एक प्रश्न ये उठता है, इतनी महाभयंकर बारिश चल रही थी, क्या वो पानी नीचे नहीं आया? क्या गोवर्धन के नीचे वो पानी नहीं आया? क्या गोवर्धन के नीचे वो फ्लडिंग नहीं हुई? ये प्रश्न उठता है, वो तो बह जाते बालक, ये कैसे नहीं हुआ? अरे गोवर्धन पर्वत के ऊपर भी तो कुछ जीव रहते हैं, वानर इत्यादि, उनको तो मौका नहीं मिला था जब कृष्ण ने उठाया था कि नीचे आ जाएं। बहुत सारे छोटे छोटे जीव, चींटी चींटियां, सब गोवर्धन पर्वत के ऊपर रहते हैं। बहुत सारे पक्षी बैठे होंगे वृक्षों में, उनका क्या? थोड़ी देर यदि धीमी धीमी भी बारिश हो तो वृक्ष, उनके सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितने वृक्ष लगे थे, एक पत्ता भी नहीं गिरा उनका, एक पत्ता भी नहीं गिरा। कैसे? नीचे से भगवान ने उठाया था और ऊपर से भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था। कितनी भी बारिश कराए वो वहीं सोख लेता था, सारा पानी वहीं सोख लेता था, कोई प्रश्न ही नहीं था यहाँ फ्लड आने का। बहुत प्रयास करते थे, लाइटनिंग भी होती थी और थंडर भी, लेकिन जब बिजली गिरती है तो जानते हैं बिजली कैसे गिरती है, बिजली गिरती है तो क्या होता है जानते हैं? किस कोई जानता है? इंडिया में देखा है आप लोगों ने? यहाँ पे तो ये सौभाग्य नहीं मिला होगा किसी को, जानते नहीं जाना, लेकिन जानते हैं क्या होता है बिजली गिरती है? पता है, यदि एक महान वृक्ष के ऊपर, विशाल वृक्ष के ऊपर, बहुत मोटे ताजे वृक्ष के ऊपर जो हजारों सालों से खड़ा, यदि बिजली गिर जाए बीच में, तो वृक्ष 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और वो बिजली वो पृथ्वी के अंदर चली जाएगी, आसपास के जितने भी लोग हैं हार्ट अटैक आ जाएगा उनको, मर जाएंगे वो। बिजली बहुत भयानक होती है,
ये सब चल रहा था वहां पे, पल पल में बिजली गिर रही थी, पल पल में थंडरबोल्ट, लेकिन वो सब सुदर्शन चक्र में ही समा जाते थे। सोचिए कि एक वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं गिरा तो कृष्ण के बाल का बांका कोई क्या कर सकता है। कहते हैं ना कि कोई कोई बाल बांका क्या कर सकता है, तो कृष्ण के साथियों का कोई क्या बिगाड़ सकता है, ब्रजवासियों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। सुरक्षित थे, आनंद से 7 दिन के बाद रियलाइज हुआ इंद्र को गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिसे हम साधारण ग्वाला समझते थे वास्तव में वही महापुरुष हैं, वही विराट पुरुष हैं, वही सर्व ईश्वर हैं, वही महा ईश्वर हैं, वही योगेश्वर हैं। तो इंद्र तुरंत मना किए, कि अरे रुक जाओ, सारे बादलों को। तो तुरंत सारे बादल रुक गए, तुरंत पानी रुक गया। अरे बरसे क्यों, यदि इंद्र ने कहा था तो क्या जरूरत थी बरसने की, है ना? क्या जरूरत थी बरसने की? इंद्र ईश्वर है, लेकिन यदि कोई भगवान को विपत्ति देना चाहता है, भगवान की कोई असुविधा चाहता है, तो उसको उसका साथ देने की क्या आवश्यकता है? नहीं देना चाहिए साथ, नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। यदि गुरु गोविंद दोनों खड़े तो दोनों में बड़ा कौन होता है? गुरु। लेकिन बलि महाराज ने तो गुरु का त्याग कर दिया था भगवान के लिए। यदि भगवान हमसे मांगने आए हैं तो हम रुकेंगे नहीं। उनके गुरु ने मना किया था, मत देना, मैं कहता हूं मत देना, संकल्प मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन बलि महाराज ने हंसते हुए संकल्प कर, गुरु का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया, है ना? तो भगवान के लिए किसी का भी त्याग किया जा सकता है, तो क्या जरूरत थी उन देवताओं को इंद्र का साथ देने की, है ना? लेकिन दिए इंद्र से डर के, या जो भी कारण होगा, कभी कभी देवताओं की मति भी भ्रष्ट हो जाती है, तो दिया उन्होंने साथ इंद्र का। लेकिन बाद में इंद्र को रियलाइज हुआ, रोका, तो सब लोग तुरंत रुक गए, सोच रहे थे मन में कि पहले क्यों नहीं ऐसा कहा कि रुक जाओ, क्यों हमें कहा बरसने के लिए। फिर मन में ऐसा सोचने लगे सारे देवतागण, और इसके बाद फिर भगवान ने सबसे कहा कि ठीक है, अब आप लोग निकल सकते हो, अब कोई डर की बात नहीं है, धीरे धीरे निकल जाइए। तो लोग निकलने लगे बाहर, कोई निकलना नहीं चाहता था। अब सोचिए, उस वहाँ से बाहर कोई नहीं जाना चाहता था, और डर के कारण नहीं कि उनको डर हो, ऐसा नहीं था कि उन्हें डर हो, किसका डर हो? बारिश का डर हो, इंद्र का डर हो, डर के कारण नहीं। कोई वहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? कृष्ण के साथ रहने, चलिए जय हो। सब लोग कृष्ण के साथ रहना चाहते थे, कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए तो कृष्ण भगवान को कहना पड़ा कि अरे जाओ बाहर, जल्दी जाओ, अब कोई डर की बात नहीं है, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये मुझे पता है, इसलिए यहाँ से निकलो। तो बार बार कहते थे और पूछते थे भगवान, सब लोग बाहर चले गए ना, कोई कोई बचा तो नहीं है, अंदर कोई गऊ तो नहीं है? भगवान इसे देख रहे थे चारों तरफ, और उसके बाद कुछ लोग डंडा लेके खड़े थे वहाँ पे, हाँ सब लोग निकलो बाहर, निकलो निकलो चलो, लेकिन वो लोग नहीं निकल रहे थे, नहीं हम तुम्हारे साथ निकलेंगे। भगवान ने कहा कि हम नीचे कैसे रखेंगे जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, चलो तुम लोग भी बाहर जाओ। तो कई बार कहकर भगवान ने सबको बाहर किया, और जब सब लोग बाहर चले गए तो भगवान ने यथावत वहाँ रख दिया, यथावत, जो पत्थर जहाँ था वहीं उसको स्थापित कर दिया, जैसा पहले था वहाँ, ऐसा लगा ही नहीं देख के कि किसी ने उसे उठाया हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा दूर रखा होगा या कुछ निशान बना होगा उसको तोड़ने का, उसको उठाने का, नहीं, यथावत रख दिया, जैसा पहले था वो वैसा ही स्थापित हो गया पर्वत। और उसके बाद भगवान वहाँ पर आए, सबने भगवान को आशीर्वाद देना शुरू किया,
खूब आशीर्वाद दिया भगवान को सबने, तुम्हारे ऊपर विष्णु की सदैव कृपा रहे, खूब बढ़ो, दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब आशीर्वाद दिया कृष्ण को सबने, खूब भर के आशीर्वाद दिया। और इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए और इंद्र को पश्चाताप हुआ। तो इंद्र पूजा करने के लिए आए और इंद्र अकेले नहीं आए, इंद्र किसके साथ में आए? सुरभि के साथ में आए। और किसके साथ में आए? एरावत। कौन सी पुस्तक आपके पास नहीं है? ये वाली, वो इस तरफ वाली, चय श्रीमती राधा रानी के चयन किया आपने। वो वहां से भी किसी ने बताया था, सुरभि, सुरभि, ठीक है। आप तो किसी को, सब सब आपके ही हैं तो ठीक है। इंद्र आए ऐरावत के साथ में और इंद्र आए सुरभि के साथ में, गौ का हरण करना चाहते थे। अब गौ के साथ में आए, उनको डर था कि कृष्ण निश्चित रूप से हमें मार देंगे, तो गौ का पालन करते हैं। कृष्ण बहुत करुणामयी हैं गौ के प्रति, तो गौ को साथ में लेकर आए बचने के लिए। जब कृष्ण अकेले थे तब कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गोविंद सरोवर के निकट में, गोविंद कुंड के निकट में। स्वर्ग से सामग्री लेकर आए थे, स्वर्ग से जल इत्यादि लेकर आए थे। सुरभि गाय दूध देने लगी उसी समय, तो वहीं उसी दूध से भगवान का अभिषेक किया और स्वर्ग के जल से भगवान का अभिषेक किया, बहुत अच्छे से अभिषेक करके स्तुति करके और चले गए। भगवान ने कहा कि इंद्र कभी कभी ऐसा होता है मद के कारण, लेकिन तुम मेरे भक्त के पिता हो। भगवान ने उसे कुछ नहीं किया, ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं था, बालकों को चुरा के ले गए थे। इंद्र तो गौओं को मारने वाले थे, तुम मेरे मित्र के पिता हो, अर्जुन के पिता हो, अर्जुन तुम्हारे अंश रहेंगे हैं, इसीलिए तुम जाओ। और हम जानते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र की चिंता रहेगी सदैव, लेकिन जब तक मैं हूँ, भगवान कहते हैं, जब तक मैं हूँ तब तक इस पृथ्वी में इंद्र, तब तक इस पृथ्वी में है इंद्र, अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकेगा, ऐसा भगवान कहते हैं इंद्र से। उसी समय बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, गोवर्धन धारी की, गिरिराज महाराज की, श्री दामोदर जी की। कथा तो और भी है, बहुत लंबी कथा है, आगे और भी है, लेकिन समय को देखते हुए यहाँ समाप्त करते हैं।